Our course on breeding oil seed crops. We have a few topics which are significance of different oil seed crops, the origin of different oil seed crops, and classification of different oil seed crops. So we will be doing it basically in a way that we'll be talking about a specific crop, and then we will be talking about these subtopics. So in this lecture, I'll be talking about the rapeseed and mustard. The brassica oil seed species, उनके significance के बारे में बात करेंगे, उनके classification के बारे में बात करेंगे और उनके origin के बारे में बात करेंगे. And then we will be also talking ये जो हम origin या classification की बात करते हैं, तो थोड़े उसके application side पे जाएंगे कि उसके हमारे लिए फायदा क्या है, ठीक है, उस पर बात करने का. So we will be talking about oil seed brassica, जो उसमें हमारे पास rape seed है, mustard है, जो different species है, उनके इम्पोर्टेंस पे और ओरिजिन और क्लासिफिकेशन पे. तो चले जी इस पे बात करते हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड, जैसे मैंने शुरू के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था दैट इट्स एन कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप. ये हमारे पास कन्वेंशनल ऑयल सीड क्रॉप है जो कि पाकिस्तान में और इस एरिया में, इंडिया में, centuries it's cultivated here. Brassicaceae family से belong करता है. Basically जो हमारे पास rape seed या mustard जो है वो सारे brassica genus में आते हैं और उसमें brassica genus में हमारे पास तकरीबन 37 species हैं और उसमें से कई जो है वो economically important species हैं. उसमें vegetables हैं, root vegetables हैं, leaf vegetables हैं, flower vegetables हैं, ठीक है. तो हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं और फिर उन्हीं में से जो है हमारे पास ऑयल सीड ब्रासिका है जो कि हम एज अ ऑयल सीड क्रॉप उसको ग्रो करते हैं. जो ब्रासिका ऑयल सीड स्पीशीज़ है ये बेसिकली इकोनॉमिकली बड़े इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है थर्ड पोजिशन पे है फॉर द एडिबल ऑयल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड आफ्टर कॉटन, आफ्टर सोयाबीन एंड कॉटन सीड, ठीक है. यानी सोयाबीन और कॉटन सीड के बाद जो है तो इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल व्हेन वी आर कंसीडरिंग द वर्ल्ड वाइड स्केल. पाकिस्तान की तरफ अगर हम आते हैं तो पाकिस्तान में जो है ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजिशन पे है, ऑफ कोर्स इज अ ऑयल सीड क्रॉप आफ्टर कॉटन सीड. और इसमें अगर आप उस बात को कंसिडर करें कि कॉटन सीड बेसिकली हम उसको एज अ फाइबर क्रॉप ग्रो करते हैं तो ये इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप फॉर पाकिस्तान इज अ पेयर ऑयल सीड क्रॉप. पाकिस्तान में इसकी कल्टिवेशन तकरीबन 250,000 हेक्टेयर्स पे होती है और तकरीबन 190,000 टन सीड प्रोड्यूस होते हैं जिससे तकरीबन 60,000 टन एडिबल ऑयल या ऑयल लिया जाता है. पाकिस्तान में ये जो जिन एरियाज में ग्रो होता है वो पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका था, इसमें भी ये मैप मैंने दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि केपी में हमारे पास ये पोटवार रीजन के साथ जो हरिपुर और ये एरिया है और इसके अलावा बाजवड़, दीर और मानसेहरा में ग्रो किया जाता है. इसमें से कुछ जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ कि ब्रासिका कंपिस्टस रेपा जो है वो हमारे इस एरिया में इंक्लूडिंग अफगानिस्तान का जो नॉर्थ है और ताजिकिस्तान वगैरह जो एरिया है हिमालय के वेस्टर्न पार्ट, इसमें ओरिजिनेट हुआ है. तो ये बेसिकली इसी एरिया में ओरिजिनेट हुआ और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पोटोहार रीजन में और जो हजारा है और पाटा का जो एक्स पाटा था जो स्वात और मलाकन और इस एरिया में इसका पोटेंशियल है और इसको जो है एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. ये बेसिकली क्रॉप इवॉल्व हुआ ब्रासिका के जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो इवॉल्व ही ऐसे एरियाज के लिए जिसमें स्ट्रेस एनवायरमेंट हो, जहाँ पे कोई और चीज रेयरली ग्रो हो सकती है उस एरिया में ये ग्रो हो सकते हैं. लिहाजा इट हैज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर दैट. और आप अगर देखें तो आपके पास पंजाब में यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ यू हैव दिस बिग कैनाल सिस्टम और रिवर सिस्टम, उसमें आप डिफरेंट ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जिनको पानी ज़्यादा देते. पोटोहार में यू आर इन बारानी एरियाज और उसमें जो है आप ब्रासिका को ग्रो करते. सवाबी में यानी वो एरिया जिधर पानी अवेलेबल है उधर वो वीट ग्रो करते और जिधर पानी अवेलेबल नहीं है उधर जो है वो ब्रासिका ग्रो करते हैं, ठीक है. ये मोटरवे पे जो आपके पास दोनों साइड पे होते हैं बारानी एरिया. तो इट्स अ टफ क्रॉप एंड यू कैन एक्सप्लॉइट इट इन योर क्रॉपिंग सिस्टम. थोड़ा सा
गवर्नमेंट का इसमें रोल ये होना चाहिए कि जो इसका प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोक्योरमेंट और उसके लिए चेन हो, तो डेफिनेटली द फार्मर विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस क्रॉप। और उन एरियाज में जिधर वीट हम ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें से हम डायरेक्ट ग्रेन लेते हैं, कोई और खास कुछ देना नहीं पड़ता, उस एरिया में अगर हम और जिसकी वजह से हमारी वीट की जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि कुछ एरिया में बहुत कम होती है तो दूसरे एरिया में अगर आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा भी होती है तो एवरेज आपका कम आता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वीट ग्रोइंग एरिया। उधर अगर जो ब्रासिका ग्रोइंग एरियाज है उसमें ब्रासिका ही कल्टिवेट किया जाए तो देट विल रियली हेल्प फॉर द ओवरऑल क्रॉपिंग सिस्टम। अच्छा, एक और बात जो इसमें है वो है ब्रासिका का एक रिलेटेड स्पीशी अरबिडोप्सिस थलियारा, और जो कि शुरू में जितना भी मोलिकुलर बायोलॉजी का काम होता था और अभी भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के रिसर्च में, तो इट्स आल्सो रिलेटिव स्पीशी टू ब्रासिका जिस पर बहुत ज़्यादा मोलिकुलर काम हुआ। सो दिस वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रासिका। एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो ब्रासिका के डिफरेंट स्पीशीज है, कुछ तो हम वेजिटेबल और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वगैरह, और उसमें से जो ऑयल सीड स्पीशीज है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया वर्ल्ड वाइड लेवल पे थर्ड पोजिशन पे है आफ्टर सोयाबीन एंड कॉटन, और पाकिस्तान में ये सेकेंड पोजिशन पे है। और अगर हम पेयर ऑयल सीड क्रॉप की बात करेंगे तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये फर्स्ट पोजिशन पे है, तो इसमें पोटेंशियल है और इसको जो है इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रासिका, जैसे मैंने कहा कि ब्रासिका हैज बेसिकली इट्स एन इंपॉर्टेंट जीनस, इट हैज 37 स्पीशीज एंड मेनी ऑफ देम हैज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सो इस पे मैं बात कर चुका हूँ। कमिंग टू द स्पीशीज व्हिच आर लिंक्ड विद द ऑयल सीड ब्रासिका, इसमें ब्रासिका ओलेरेसी की मैं बात करूंगा बिकॉज इट्स वन ऑफ द एंसेस्टर फॉर द टेट्राप्लॉइड ऑयल सीड ब्रासिका स्पीशीज। जो आपके पास ब्रासिका ओलेरेसी है इसमें डिफरेंट सब स्पीशीज है और सब वेराइटीज है, जो कि आपके पास कई इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स इसमें है जैसे कैबेज है, केल है, ब्रोकली, ब्रसल स्प्राउट्स है, कॉलीफ्लावर है, कोलरबी, ये आपके पास डिफरेंट वेजिटेबल्स है, कुछ फ्लावर वेजिटेबल्स है, कुछ बर्ड वेजिटेबल्स है, टर्निप आपके पास है, ठीक है, तो ये सारे आपके पास ब्रासिका ओलेरेसी के स्पीशीज में आते हैं और उसके सब स्पीशीज में जो है डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जो हमारे पास ऑयल सीड ब्रासिका है उसमें जो है हमारे पास ब्रासिका रेपा और ब्रासिका नेपस है जो फोर स्पीशीज बेसिकली है, दो स्पीशीज जो है तो हम उसको एज अ रेप सीड क्लासिफाई करते जिसमें हमारे पास ब्रासिका रेपा और नेपस है, एंड देन वी हैव द मस्टर्ड टाइप में हमारे पास ब्रासिका जेंशिया है, ब्रासिका कैरिनेटा है और ब्रासिका निग्रा है। बेसिकली ब्रासिका निग्रा जैसे ब्रासिका ओलेरेसी का मैंने कहा इट्स वन ऑफ द एंसेस्टर, जो आगे नेक्स्ट में आपको यू ट्राइंगल में बताऊंगा, बट इट्स नॉट यूज डायरेक्टली फॉर एडिबल ऑयल, इट्स अ वीट बट इट्स वन ऑफ द प्रोजिनेटर, ठीक है, और इसमें भी चूंकि बी जीनोम होते हैं तो हम इसको मस्टर्ड में ही कंसिडर करते हैं। सो वी हैव ब्रासिका फोर एडिबल ऑयल स्पीशीज जिसमें हमारे पास ब्रासिका रेपा और नेपस रेप सीड में और ब्रासिका जेंशिया और कैरिनेटा मस्टर्ड में आते हैं, ठीक है, ब्रासिका रेपस को हम कंपिस्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन वाइज है वो है केनोला टाइप। बेसिकली केनोला टाइप इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इसके इसमें बेसिकली यू मस्ट हैव लो एरोसिक एसिड एंड लो ग्लूकोसिनोलेट, ठीक है, अगर ये दोनों इसमें कम होंगे हम इसको 00 भी बोलते हैं और इसको हम केनोला टाइप कंसिडर करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, और एज वेल एज जो लाइफ स्टॉक के लिए भी जो है वो फिर हार्मफुल नहीं होते, तो लिहाजा हम इसको जो है किनोला टाइप में कंसिडर करते हैं। तो दिस अबाउट ब्रासिका क्लासिफिकेशन, आगे जो है हम इसके किस तरह ये डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुए उस पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Talking about the origin, किस जगह पे by geography, where different brassica subspecies have been evolved,
So considering the diversity, wild relatives and distribution of these species in different parts of the world, different geographical places have been identified as the potential origin of these species. ठीक है, यानी जो आप वाइल्ड रिलेटिव्स की डाइवर्सिटी देखते हैं, आप जो है तो उस स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखते हैं और जो रिलेटेड स्पीशीज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उस बेसिस में एस्टिमेट किया गया कि किस जगह पे कौन सी स्पीशीज इवॉल्व हुआ होगा. ठीक है, स्टार्टिंग विद ब्रासिका निग्रा. जो ब्रासिका निग्रा है दैट इज फाउंड एज अ वीड इन द मेडिटेरेनियन एरिया. जो आपके पास मेडिटेरेनियन एरिया है उसमें आपके पास जो नॉर्थ अफ्रीकन एंड साउदर्न यूरोप एरिया आता है, मेडिटेरेनियन सी के जो एरिया है. ठीक है, इसका साउथ इटली, साउथ फ्रांस, स्पेन, चिनिजिया, मोरक्को, अल्जीरिया. ठीक है, ये जो है एंड इंक्लूडिंग द वेस्ट ऑफ तुर्की, ये जो एरिया है इसमें जो है ब्रासिका निग्रा पाया जाता है. एंड इट इज कंसिडर कि ये जो इसका ये स्पीशीज इधर ओरिजिनेट हुई होगी. जो ब्रासिका ओलरेसी है हमारे पास, चूंकि इट इज आल्सो वन ऑफ द एंसेस्टर और जिससे कई वेजिटेबल्स भी इसी स्पीशीज में आते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो थोड़ा एक्सटेंडेड है. इसमें मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्टर्न रीजन सारा आता है और ये कंसिडर किया जाता है कि इस एरिया में जो है ये इवॉल्व हुआ होगा. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है ब्रासिका कंपेस्ट्रस या ब्रासिका रेपा, ये कंसिडर किया जाता है कि ये हिमालयन रीजन में ओरिजिनेट हुआ होगा. इसमें आपके पास जो है तो पाकिस्तान का नॉर्थ कश्मीर, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एरिया आता है. तो दिस विल बी अ पोटेंशियल, दिस कुड बी पोटेंशियल ओरिजिन फॉर द ब्रासिका कंपेस्ट्रस. और अगर आपको विल ऑफ के जो हमने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कोर्स में पढ़ा था उसमें भी जो है ब्रासिका को इसी एरिया में एज अ सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका आइडेंटिफाई किया था, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी. जो हमारे पास ब्रासिका कारिनेटा है वो हमारे इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके जो डाइवर्सिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कंसिडर किया जाता है कि ये इथियोपिया में और इसके इर्द गिर्द के ही इवॉल्व हुआ होगा. जो हमारे पास ब्रासिका जेंशिया है, ब्रासिका जेंशिया का कंसिडर किया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट और जो हमारे पास हिमालयन एरिया है, जो एक्सटेंडेड हिमालय एरिया है जिसमें आप हिंदू कश को और थोड़ा जो अफगानिस्तान और ईरान के फ्रंटियर पे जो एरिया आती है उस एरिया में कंसिडर किया जाता है कि इधर इवॉल्व हुआ होगा. और फर्दर जो है इसकी ज्यादा कल्टिवेशन इंडिया में चुकी थी तो उधर से जो है ईस्टवर्ड इसको लेके गए होंगे और उधर पर जो है इसकी कल्टिवेशन हुई होगी. ब्रासिका नेपस जो है इट इज कंसिडर टू बी इवॉल्व इन यूरोप. यूरोप में जो है ये कंसिडर किया जाता है कि ये इवॉल्व हुआ होगा एंड मोस्ट मोर टूवर्ड द वेस्टर्न पार्ट, यानी जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है उसमें इसको कंसिडर किया जाता है कि ये उस एरिया में इवॉल्व हुआ होगा. और आप जब कल्टिवेशन भी कंसिडर करते हैं तो आपके पास ब्रासिका जेंशिया या कंपेस्टस जो है ये रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट में भी सक्सेसफुल होता है. जो आपके पास ब्रासिका नेपस है ये कोल्डर इन्वायरमेंट में बेटर बेटर स्ट्राइव करता है. ठीक है, इफ यू कंसिडर द स्प्रिंग और विंटर टाइप तो वो भी आपके पास ज्यादा ब्रासिका नेपस में विंटर टाइप ज्यादा है. ठीक है, तो ये जो है कंसिडर किया जाता है कि इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह पोटेंशियली इसी तरह होगी. इस मैप पे इसको एक्सटेंडेडली डिस्क्राइब किया गया है जो कि मैंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेस का दिया हुआ है. सो यू कैन सी के किस तरह जो है डिफरेंट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह डिफरेंट रीजन में रही है. ओके, सो द कंसीडरिंग द ओरिजिन, लेट्स टॉक अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. और वंस अगेन हम उसमें से जो है तो ऑयल सीड स्पीशीज की बात करते हैं. तो बेसिकली ये इनका इंटर रिलेशनशिप दैट वाज सजेस्टेड बाय द कोरियन जापानीज साइंटिस्ट जंग शून वू यू इन 1935. और इसको जो है तो हम ट्रायंगल ऑफ यू बोलते हैं, यू ट्रायंगल बोलते हैं. इसमें है क्या कि बेसिकली वी हैव थ्री डिप्लॉयड स्पीशीज, ब्रासिका निग्रा जिसका जो है तो हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 8 है,
ब्रैसिका ओलेरासी जिसका क्रोमोसोम नंबर 9 है हेप्लॉइड, एंड ब्रैसिका रेफा जिसका क्रोमोसोम नंबर n इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये हमारे पास ए जीनोम है, बी जीनोम, सी जीनोम, ठीक है। रेपा का, कंपिस्टर्स का ए जीनोम है, ब्रैसिका निग्रा का बी जीनोम है, और ब्रैसिका ओलेरासी का सी जीनोम है, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड के ब्रैसिका रेपा एंड ब्रैसिका निग्रा जो है इनके आपस में इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हुई होगी, और फिर जो है तो उससे जो है एलो टेट्राप्लाइड हमारे पास आया होगा जिसका क्रोमोसोम नंबर एन इज इक्वल टू 18, और इसमें हमारे पास ए जीनोम और बी जीनोम दोनों है, टू टू कॉपीज दोनों की है, और देट गिव अस ब्रैसिका जेंटिया, ठीक है। तो ब्रैसिका निग्रा एंड ब्रैसिका रेपा से वी गॉट ब्रैसिका जेंटिया जिसमें हमारे पास ए और बी जीनोम दोनों है, ठीक है। दूसरी साइड पे ब्रैसिका निग्रा और ब्रैसिका ओलेरासी की क्रॉस, और फिर उससे जो है जो एलो टेट्राप्लॉइड हमारे पास बना जिसमें हमारे पास बी जीनोम और सी जीनोम की टू कॉपीज है, विच मींस द एन विल बी इक्वल टू 17, तो उससे हमें मिला ब्रैसिका कैरिनेटा, ठीक है। तो फ्रॉम द क्रॉस ऑफ ब्रैसिका निग्रा एंड ब्रैसिका ओलेरासी एंड देन फर्दर एम्फीडिप्लॉयड प्रोडक्शन, उससे जो है हमें मिला ब्रैसिका कैरिनेटा, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रैसिका ओलेरासी और ब्रैसिका रेपा उनके जो है क्रॉस और फर्दर इम्फीडिप्लॉयडाइजेशन से हमें मिला होगा ब्रैसिका नेपस, ठीक है। तो हमारे पास ए जीनोम भी है और सी जीनोम भी है इसमें, ठीक है, दोनों के दो दो कॉपीज है, तो एन हमारे पास 19 है, ठीक है। तो इसको जो है हम यू ट्राइंगल बोलते हैं, और इसमें फिर आप इसको कंसिडर करें डिस्ट्रीब्यूशन का कि ब्रैसिका निग्रा आपके पास मेडिटेरेनियन मिडिल ईस्टर्न रीजन में है, ब्रैसिका रेपा कंपिस्टर आपके पास हिमालयन रीजन है, तो सम हो किसी स्पॉट पे जो है इनकी क्रॉसिंग हुई होगी, और इससे जो है हमें ब्रैसिका जेंटिया मिला होगा, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन के ब्रैसिका जेंटिया का जो हम रीजन कहते हैं वो हम मिडिल ईस्ट और इस एरिया में कहते हैं कि जिधर से आपके पास निग्रा भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी और रेपा की उनका पॉसिबिलिटी हो के मिलाप हो, ठीक है, इनका क्रॉस हो। ऑफ कोर्स देयर कुड बी मल्टीपल इवेंट्स, जो नहीं कि एक इवेंट हुआ हो, चूंकि इनकी क्रॉस कंपेटिबिलिटी इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कंपेटिबिलिटी ज्यादा है, लिहाजा मल्टीपल क्रॉसेस हो सकती है, और उससे जो है मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जो है ये बन सकते हैं। सिमिलरली ब्रैसिका रेपा जो है सेंट्रल एशिया से किसी पॉइंट पे ये पहुंचा होगा यूरोप, और उधर जो है ब्रैसिका ओलेरासी जो आपके पास मेडिटेरेनियन रीजन में है, ठीक है, तो उससे जो है आपस में इनकी क्रॉस से ब्रैसिका नेपिस बना होगा। इसमें आप इनके सीड डिस्पर्सल को भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें आप ह्यूमन एक्टिविटीज को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो ह्यूमन जो डिफरेंट मूवमेंट होगी वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास निग्रा और ओलेरासी के आपस में जो है क्रॉस से जो है कैरिनेटा बना होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये जो है यू ट्राइंगल उन्होंने सजेस्ट किया था उनके क्रोमोसोमल पेयरिंग और उसको कंसिडर करते हुए, एंड लेटर ऑन मॉलिक्यूलर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उससे भी जो है इसको कंफर्म किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इसमें बायोजियोग्राफी और इनके क्रोमोसोमल रिलेशन दोनों को कंसिडर किया जाता है कि किस वो क्रॉप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा होगा और फिर उनके आपस में क्रॉसिंग हुई होगी, नोइंग दैट के मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन रिलेटिवली इसमें कम ही होगी, क्योंकि ये हम जो है तो कई सेंचुरीज और उसके डिकेड्स सॉरी मिलीनिया की बात करते हैं कि उससे पहले ये हुआ होगा, तो लिहाजा उसमें ऑफकोर्स ह्यूमन इंटरवेंशन कम ही रही होगी, लेकिन आपने जो इनकी बायोजियोग्राफी है उसको कंसिडर करना होता है। अच्छा, ये जो हम इंटर रिलेशनशिप स्पीशीज की बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें पता हो कि कौन कौन सी स्पीशीज एंसेस्ट्रल है, कौन कौन सी इजीली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम इसको एज अ जेनेटिक रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। एज आई मेंशन के जो हमारे पास ये जो हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं, तो बेसिकली इट्स अ जेनेटिक रिसोर्स फॉर अस, और इसको जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वाले कोर्स में भी बताया था।
इधर स्पेसिफिक केस की अगर हम बात करें तो ब्रैसिका निग्रा का हमने बताया कि दैट्स अ वीट, लेकिन हमारे पास ब्रैसिका ओलेरेसी, उसमें वी हैव मेनी वेजिटेबल्स, बट वी कैन आल्सो यूटिलाइज दीज फॉर द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। और अगर हमारे पास कोई ऐसे जीन्स हो जो ट्रेड्स हो जो हम इसको इंट्रोग्रेस करना चाहे तो वी कैन गो फॉर इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस। इनमें से हमारे पास फोर स्पीशीज जो है वो आयल सीड है, इसमें ब्रैसिका रेपा या ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस है, ब्रैसिका नेपस है, ब्रैसिका जंशिया है एंड सम एक्सटेंट तक ब्रैसिका करिनेटा है। ठीक है, इनमें तीन हमारे पास टेट्राप्लॉयड है, ये जो आयल सीड स्पीशीज है ब्रैसिका करिनेटा, ब्रैसिका जंशिया और ब्रैसिका नेपस, और एक हमारे पास डिप्लॉयड है ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस। जो अगर हम कल्टीवेशन वाइज बात करें तो जो ज्यादा कल्टीवेशन होती है जिस स्पीशीज की और जिससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें टॉप पे ब्रैसिका नेपस है ऑफ कोर्स, जो कि ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है ऑयल सीड में। और जो अगर हम कैनोला की टाइप की बात करें तो कैनोला टाइप भी ज्यादा जो है ब्रैसिका नेपस में कैनोला टाइप वेराइटीज बनाई गई है और वो जो है पाई जाती है। जो पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए कन्वेंशनल क्रॉप रहा है और इसमें ब्रैसिका रेप और ब्रैसिका जेंशिया जो है सेंचुरी से इस एरिया में कल्टीवेट होती रही और इसकी हमारे पास लोकल वेरिएबिलिटी भी है, डाइवर्सिटी भी है, तो उसको हम जो है क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वी कैन क्रॉस विद ब्रैसिका नेपस, वी कैन क्रॉस विद ब्रैसिका जेंशिया करिनेटा या जो है दूसरे स्पीशीज के साथ, एंड वी कैन गो फॉर इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस to identify, to introgress the traits which are desirable. ठीक है, इसमें बैक क्रॉसिंग का भी जो है इंपॉर्टेंट रोल है, वो आगे मैं ब्रीडिंग मेथड्स में बताऊंगा ऑयल सीड के लिए कि उसका रोल बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जब आप इंटर क्रॉस स्पेसिफिक क्रॉसेस की तरफ जाते हैं तो बैक क्रॉसिंग इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट दीज स्पीशीज and you can see that the diversity in these species that could be utilized for crop genetic improvement. You can go for interspecific crosses, yani different species ke beech mein aap cross kar sakte hain, aur aap intraspecific crosses of course uski taraf ja sakte hain to introgress desirable traits, to develop varieties with desirable traits aur jisko hum farmer mein phir distribute kar sake. Okay, so in this lecture we talked about the significance of brassica species and then oil seed brassica species, उसके इम्पोर्टेंस पे हमने बात की, उसके जो है ऑरिजिन पे हमने बात की, डिफरेंट स्पीशीज का बताया, फिर उनके जो है पोटेंशियल ऑरिजिन की बात की, बाय जियोग्राफी की बात की, फिर जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज उस पर बात की, और फिर इसको हम किस तरह इस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, तो उस पर हमने बात की। तो आई जस्ट put some question, comments, remarks for my students. आप अपने आप को टेस्ट कर सकते while answering the question. So, and this will also be of course important for your viva as well as for your final exam. So, why it's important to explore diversity in related species? ठीक है, यानी आप डायरेक्ट जो आपका cultivated species है उसके अलावा आप different relative species, crop relatives जो है उसको आप स्टडी करते हो, उसमें डाइवर्सिटी एक्सप्लोर करते हैं, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। देन हाउ दिस डिड द एम्फीडिप्लॉइड स्पीशीज ऑफ ब्रैसिका ऑयल सीड ब्रैसिका ओरिजिनेटेड, तो इसमें आप बात कर सके, यू ट्राइंगल को एक्सप्लेन कर सके, शुड बी एबल टू डू दैट। एंड देन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ब्रैसिका को किस तरह हम इसको इम्प्रूव करेंगे और उससे जो है that is important for the economy of Pakistan. ठीक है, क्यों ब्रैसिका की yield improve होनी चाहिए और उसका पाकिस्तान के economy पे क्या impact रहेगा, तो इस पे आप बात कर सकें।